Each project for concrete rehabilitation and repair is unique. We cannot use same method for each project. So first method hai for the repair of concrete additional reinforcement. कि हम जहाँ पे भी कंक्रीट का क्रैक है ड्यू टू टेंशन, अगर टेंशन की वजह से कंक्रीट में क्रैक डेवलप हो गया तो उस क्रैक्स को यानी रिपेयर करने के लिए हम उसमें स्टील ऐड करेंगे. इट इज़ द प्रोविजन ऑफ एडिशनल रिइंफोर्समेंट स्टील आइदर कन्वेंशनल रिइंफोर्समेंट और प्रीस्ट्रेस स्टील टू रिपेयर अ क्रैक्ड कंक्रीट सेक्शन. इन आइदर केस द स्टील डेट इज एडेड इज टू कैरी टेंसाइल फोर्सेज डैट हैव कॉज्ड क्रैकिंग इन द कंक्रीट. जब स्टील प्रोवाइड करेंगे उसमें तो अब जो टेंसाइल फोर्सेज आ रही हैं कंक्रीट के ऊपर उसको जो है ना स्टील रेजिस्ट करेगा. जैसे ये कन्वेंशनल रिइंफोर्समेंट मेथड ये है कि जहाँ भी क्रैक डेवलप हों उन क्रैक के 90 डिग्री के ऊपर हमने होल्स करने हैं. 3x4 इंच होल होगा डेप्थ का और एट 90 डिग्री टू द क्रैक प्लेन. और उसके बाद इस होल को हमने यानी साफ करना है, क्लीन करना है और इसमें कहीं किसी सॉल्यूशन का कोट करके एपॉक्सी कोटिंग जैसे होती है इसमें फिर स्टील रॉड जो है एम्बेड कर देना और बाद में इस क्रैक को हमने सील कर देना. स्टील रॉड जो है होगा प्लेसिंग रिइंफोर्समेंट बार इनटू द ड्रिल होल 4 or 5 bars आर यूज्ड एक्सटेंडिंग एट लीस्ट 1.6 feet ऑन ईच साइड ऑफ द क्रैक. क्योंकि क्रैक के दोनों तरफ 1.5-1.5 feet की बार हमने दे दी. द एडहेसिव बॉन्ड द बार्स टू द वॉल ऑफ द होल फिल द क्रैक प्लेन बॉन्ड द क्रैक कंक्रीट सरफेस टुगेदर इन वन मोनोलिथिक फॉर्म एंड दस रिइंफोर्सेस द सेक्शन. इससे मजीद अगर कहीं पे जो स्ट्रेसेस आएंगी टेंसाइल स्ट्रेसेस उनको अब स्टील रेजिस्ट कर लेगा, क्रैक को मजीद जो है वो प्रोपोगेट नहीं होने देगा. तो ये कन्वेंशनल मेथड है एक स्टील यानी कन्वेंशनल रिइंफोर्समेंट यूज़ करके क्रैक को हम सील करते हैं. सेकंड है प्रीस्ट्रेसिंग स्टील. दिस टेक्निक यूज प्रीस्ट्रेसिंग स्टैंड आर बार्स टू अप्लाई अ कंप्रेसिव फोर्स. एडिक्यूट एंकरेज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रीस्ट्रेसिंग एंड केयर इज नीडेड सो दैट द प्रॉब्लम विल नॉट मेयरली माइग्रेट टू अनदर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. The effect of tensioning force on the stress within the structural should be carefully analyzed. जैसे यहाँ पे कोई क्रैक डेवलप हो गया, अब इस क्रैक के ऊपर यानी कंप्रेसिव फोर्स एग्जर्ट करने के लिए यानी क्रैक का यूँ कहें कि मुँह बंद कर रखने के लिए हम यहाँ पे एक वाई स्टैंड प्रोवाइड करते हैं और इसको एक असम्बली के जरिए से इस स्टैंड के ऊपर टेंसाइल फोर्स एग्जर्ट करते हैं, इसको खींचते हैं. तो जब उसको प्री टेंशनिंग जिसे कहते हैं उसको खींचेंगे तो खींचने के बाद जब इसको रिमूव करेंगे तो अब ये जो बार है ये इस क्रैक के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स एग्जर्ट करेगी. यानी जब स्टील को हमने एलोंगेट किया जब उसको छोड़ा तो स्टील जब कंप्रेस होगी तो गोया कि क्रैक पे कंप्रेसिव फोर्स आएगी जो इस क्रैक को यानी उसके उसको सील कर देगी. तो ये एक सेकेंड अप्रोच है एडिशनल रिइंफोर्समेंट के जरिए से क्रैक को रिपेयर करने की. उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ऑटोजीनियस सीलिंग. ऑटोजीनियस सीलिंग क्या होती है? तो द सेल्फ हीलिंग प्रोसेस इज वेल डिफाइंड इन ह्यूमन बॉडी एंड इन प्लांट्स व्हिच आर एबल टू रिपेयर डैमेज एंड रिकवर देयर स्ट्रेंथ. सिमिलरली सेल्फ हीलिंग कंक्रीट रेफर्स टू अ मटेरियल दैट इज कैपेबल ऑफ रिकवरिंग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज आफ्टर सफरिंग डिग्रेडेशन. जैसे बॉडी में कहीं कोई ज़ख्म आ जाता है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है. इसी तरह कंक्रीट को इस तरह का बनाना कि वो कंक्रीट की भी अगर उसमें जो स्मॉल वियर एंड टीयर है या स्मॉल डैमेज है कंक्रीट में तो इंटरनली उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए, उस कंक्रीट को हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट. और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक ऑटोजीनियस हीलिंग कंक्रीट होती है और दूसरी ऑटोनोमियस या इंजीनियर्ड हीलिंग कंक्रीट होगी. दो नेचुरल एबिलिटी टू सेल्फ हील द स्मॉल क्रैक्स इन कंक्रीट ओइंग टू इट्स कंपोजिशन इज टर्म्ड एज ऑटोजीनियस हीलिंग. तो ऑटोजीनियस वो है कि जो एक नेचुरल एबिलिटी है कंक्रीट की टू सेल्फ हील द स्मॉल क्रैक्स. एंड ऑटोनोमियस हीलिंग रेफर्स टू एज हीलिंग मैकेनिज्म दैट इज इंजीनियर्ड टू इनहेंस सेल्फ हीलिंग. कि इंजीनियर्ड हमने कोई
यानी खुद साख्ता कोई तरीका ऐसा बनाया कंक्रीट के अंदर कि उसके अंदर ही हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए। उसके बाद देर आर मेनली थ्री मेथड फॉर द डिज़ाइन ऑफ सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, नेचुरल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जैसे ऑटोजीनियस जो हीलिंग टाइप है, ये नेचुरल प्रोसेस है ऑफ क्रैक रिपेयर डेट कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एब्सेंस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ स्मॉल मॉइस्चर होना ज़रूरी है सेल्फ हीलिंग के लिए, और दूसरी चीज़ उसमें एब्सेंस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस, कि क्रैक के ऊपर कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आ रही हो। इट मीन्स कि ये जो ऑटोजीनियस हीलिंग है फॉर रिपेयर ऑफ क्रैक्स, ये उस वक्त यानी फिजिबल होगा जब क्रैक हमारे डॉर्मेंट नेचर के होंगे, इनएक्टिव क्रैक्स होंगे। क्योंकि अगर एक्टिव होंगे तो उसमें तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी और क्रैक जो है वो गया कि उसका साइज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो डॉर्मेंट क्रैक्स हैं उसके लिए सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ होगा। ऑटोजेनियस हीलिंग एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर क्लोज क्रैक इन अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट, हीलिंग विल नॉट अकर इफ द क्रैक इज एक्टिव। तो एक्टिव क्रैक में हीलिंग नहीं होगी एंड इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट ड्यूरिंग द हीलिंग पीरियड। तो हीलिंग पीरियड के दौरान क्रैक की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी इनएक्टिव होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। आगे हीलिंग प्रोसेस लिखा हुआ, हीलिंग विल आल्सो नॉट अकर इफ देयर इज पॉजिटिव फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द क्रैक व्हिच डिसॉल्व एंड वॉशेस अवे द लिमिट डिपॉजिट, लाइम डिपॉजिट। असल में ये लाइम डिपॉजिट ही की वजह से कंक्रीट की हीलिंग होती है। तो लाइम डिपॉजिट कैसे होती है, अ हीलिंग अकर्स थ्रू द कार्बोनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द सीमेंट पेस्ट बाय कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एयर एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर है या वाटर में है, और कार्बोनेशन है सीमेंट, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सीमेंट के अंदर। तो ये दोनों का आपस में रिएक्शन होगा जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स बनेंगे और प्रेसिपिटेट, अकमुलेट एंड ग्रो विद इन द क्रैक्स। और ये यानी ये लाइम डिपॉजिट होता जाएगा क्रैक के अंदर, जिससे क्रैक की गोया की एक हीलिंग हो जाएगी। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज रिस्टोर्ड across the crack section and the crack may become sealed. तो ये थर्ड सेकेंड मैथड था। उसके बाद थर्ड मैथड है कन्वेंशनल कंक्रीट रिप्लेसमेंट, यानी सिंपल हमने जो पुरानी कंक्रीट है उसको डिमोलिश किया, रिमूव किया और नई कंक्रीट उसमें रिप्लेस कर दिए। तो ये मैथड उस वक्त यूज़ होगा जब हमारा जो डिफेक्टिव एरिया है वो लार्ज हो, ठीक है, यानी मेजर रिपेयर रिक्वायर्ड हो। This method consists of replacing defective concrete with a new conventional concrete mixture of suitable proportion that will become an integral part of the base concrete. तो सिर्फ वो कंक्रीट रिमूव करनी है जो कि जिसमें यानी जो डैमेज हुआ हुई हुई है, तो उसके अलावा जो कंक्रीट होगी वो बेस में बेस बन जाएगी और न्यू कंक्रीट उसके ऊपर यानी उसका एक पार्ट बन जाएगी। तो जो न्यू कंक्रीट है यानी रिप्लेस कंक्रीट, वो लो वाटर सीमेंट रेशियो होनी चाहिए उसमें और हाई परसेंटेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए ताकि उसमें श्रिंकेज कम हो। तो इफ़ द डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर गो इंटायरली थ्रू अ वॉल और इफ़ द डिफेक्ट्स गो बियॉन्ड द रिइंफोर्समेंट एंड इफ द डिफेक्टिव एरिया इज लार्ज देन कंक्रीट रिप्लेसमेंट इज द डिजायर मेथड। रिप्लेसमेंट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रिपेयर लार्ज एरिया ऑफ हनीकॉम्ब इन न्यू कंस्ट्रक्शन। न्यू कंस्ट्रक्शन में कहीं बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर हनीकॉम्ब हुई हुई है कंक्रीट की, यानी उसकी सेग्रीगेशन हुई हुई है और एग्रीगेट अलहदा से नज़र आ रहा है और सीमेंट अलहदा है, उस केस में भी उस पार्ट को रिमूव करके फिर हम उसमें यानी न्यू कंक्रीट रिप्लेस करेंगे। कन्वेंशन कंक्रीट शुड नॉट बी यूज फॉर रिप्लेसमेंट इन एरियाज वेयर एन एग्रेसिव फैक्टर विच हैज कॉज द डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट बींग रिप्लेस स्टिल एग्जिस्ट। अगर कहीं हार्श इन्वायरमेंट है तो सिंपल कंक्रीट, ओल्ड कंक्रीट रिमूव करके न्यू प्लेस करना ये कोई सलूशन नहीं होगा, क्योंकि कल को वही न्यू कंक्रीट भी उसी तरह डैमेज हो जाएगी। उसके बाद है क्रैक अरेस्ट टेक्निक्स। क्रैक अरेस्ट टेक्निक्स आर दोज प्रोसीजर्स डेट मे बी यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर। कोई काफ़ी ज़्यादा थिकनेस का कोई स्ट्रक्चर है यानी मैसिव स्ट्रक्चर है, टू स्टॉप क्रैक प्रोपोगेशन इन टू सब्सिक्वेंट कंक्रीट लिफ्ट। तो कंक्रीट जो क्रैक है उसकी प्रोपोगेशन को स्टॉप करने के लिए हम क्रैक अरेस्ट टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस टेक्निक शुड बी यूज ओनली फॉर क्रैकिंग
caused by restrained volume change of the concrete. Volume change of concrete की वजह से, जैसे due to expansion of concrete या due to creep या due to shrinkage, जो उसमें cracks develop होंगे, उसके लिए ये टेक्निक यूजफुल होगी. और अगर कहीं एक्सेसिव लोडिंग की वजह से कंक्रीट में क्रैक है तो उसके लिए टेक्निक यूजफुल नहीं है. तो क्रैक को अरेस्ट कैसे करेंगे? सिंपल टेक्निक यह है कि प्लेस अ ग्रिड ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील ओवर द क्रैक्ड एरिया. तो ये क्रैक्ड एरिया है, उसके ऊपर गोया कि स्टील की एक जाली हमने डाल दी. उससे ये होगा कि जैसे वो क्रैक जेल में बंद हो गया, यानी क्रैक अरेस्ट हो गया. उसके बाद ड्रिलिंग एंड प्लजिंग मेथड है. ये भी जो हमारे एक क्रैक्स होते हैं, वर्टिकल क्रैक्स, और उनमें से उसका एक एंड जो है वो एसेसिबल होता है, उसके लिए ये मेथड यूज होता है. ड्रिलिंग एंड प्लजिंग अ क्रैक कंसिस्ट ऑफ ड्रिलिंग डाउन द लेंथ ऑफ द क्रैक एंड ग्रूटिंग इट टू फॉर्म अ की. तो सिंपली इसमें क्या करना है कि क्रैक का जो एंड है उसको ड्रिल करना है, उसमें होल ड्रिल करना है, और उसके बाद उसको भर देना है किसी मटीरियल के साथ, ग्रूटिंग उसकी कर देनी. दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल ओनली वे क्रैक्स रन इन रीजनेबली स्ट्रेट लाइंस एंड आर असेसेबल एट वन एंड. दिस मेथड इज मोस्ट ऑफन यूज टू रिपेयर वर्टिकल क्रैक इन वॉल्स. उसके बाद है ड्राई पैकिंग. ड्राई पैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रैमिंग एंड टैंपिंग इन टू अ कन्फाइंड एरिया अ लो वाटर सीमेंट मॉर्टर. वाटर सीमेंट मॉर्टर के बाल्स बना के, लो वाटर सीमेंट वाटर के, यानी खुश्क गोले समझें के बना के, उनको हमने थ्रू हैमर वो क्रैक्स में जो है वो फिट कर देना. तो बिकॉज ऑफ लो वाटर सीमेंट मटीरियल देर इज अ लिटर श्रिंकेज और द पैच रिमेन्स टाइट एंड ऑफ अ गुड क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वाटर टाइटनेस. दिस टेक्निक हैज एन एडवांटेज इन डैट नो स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. तो कोई अलहदा से हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. सिंपल वही सीमेंट और मॉर्टर है, वाटर सीमेंट मॉर्टर, और उसके बाद जो है वो हैमर है, उसके ज़रिए से हमने वो खुश गोलियां बना के उसको क्रैक्स के अंदर जो है वो फिट करना है. तो ये भी मेथड उसके लिए यूज़फुल है जो कि आपके इनएक्टिव क्रैक्स होंगे, ठीक है, जो जिनमें मूवमेंट नहीं हो रही. ड्राई पैकिंग कैन आल्सो बी यूज फिलिंग नैरो स्लॉट्स कट फॉर द रिपेयर ऑफ डॉर्मेंट क्रैक्स, ठीक है. द यूज़ ऑफ ड्राई पैक इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर फिलिंग और रिपेयरिंग एक्टिव क्रैक्स. एक्टिव क्रैक के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि क्रैक कल को मूव होगा, उसका साइज बढ़ेगा, तो ये यानी ये जो हमने इसकी एक लो वाटर सीमेंट मॉर्टर बनाया हुआ है, इसकी जो बॉल्स बनाए हुए हैं यूज, तो उसमें से ड्रॉप हो जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट है जी सेवन मेथड है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. Fiber reinforced concrete is composed of conventional Portland cement concrete containing discontinuous discrete fibers. Fiber reinforced concrete में small pieces use होंगे, steel के, plastic के या glass के या किसी भी natural material के, तो concrete को यानी fiber reinforced कर देंगे, इससे उसकी यानी tensile strength जो है वो बढ़ जाएगी. ये जो fiber reinforced concrete है ये बहुत ज़्यादा use होती है for pavement repair के लिए, ठीक है. इसी तरह for hydraulic structures के लिए ये काफ़ी जो है वो यूजफुल है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. फाइबर मिक्सचर जनरली रिक्वायर मोर वाइब्रेशन टू कंसोलिडेट द कंक्रीट. अच्छा, इसमें क्योंकि इसकी जो स्लंप की वैल्यू वो कम होगी, यानी वर्केबिलिटी इसकी कम होगी, इसलिए इसकी वाइब्रेशन कंसोलिडेशन के लिए इसकी लेयर्स को ज़्यादा वाइब्रेट करना पड़ेगा ताकि ये कंसोलिडेट हो जाए. बाकी इसकी प्रेपरेशन, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, ये सारी उसी तरह होंगी जैसे नॉर्मल प्लेन कंक्रीट होती है. पंपिंग भी अगर 1.5% फाइबर्स हैं तो पंपिंग भी इसकी यानी एफिशिएंटली हो सकती है जैसे आम कंक्रीट की पंपिंग करते हैं. मिक्सचर डिज़ाइन एंड स्पेशली द अमाउंट ऑफ फाइबर यूज आर क्रिटिकल सो डैट डिज़ाइन पैरामीटर फॉर स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी आर मेट एंड द मिक्सचर विल स्टिल बी वर्केबल. तो जो भी यानी फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट मिक्सचर वर्केबल भी हो, ड्यूरेबल स्ट्रेंथ भी उसकी उतनी अचीव हो जाए, उसके लिए अमाउंट ऑफ फाइबर्स बहुत मैटर करता है कि हमने फाइबर्स कितना यूज़ किए. अगर कहीं ज़्यादा फाइबर यूज़ करेंगे तो मे बी कंक्रीट वर्केबल नहीं रहेगी. तो अबाउट 2% बाय वॉल्यूम इज कंसिडर द प्रैक्टिकल अपर लिमिट फॉर फील्ड प्लेसमेंट विद द नेसेसरी वर्केबिलिटी.
मैक्सिमम यानी अपर लिमिट है फाइबर्स की 2% बाई वॉल्यूम। और स्टील फाइबर रेनफोर्स शॉर्ट क्रिएट विद अप टू 2% फाइबर्स बाई वॉल्यूम जनरली मिक्स विद ड्राई मिक्सचर प्रोसेस हैज बीन सक्सेसफुली यूज टू रिपेयर कंक्रीट। उसके बाद मेथड नंबर 8 है फ्लेक्सिबल सीलिंग। फ्लेक्सिबल सीलिंग इन्वॉल्व रूटिंग एंड क्लीनिंग द क्रैक एंड फिलिंग इट विद अ सूटेबल फील्ड मोल्डेड फ्लेक्सिबल सीलेंट। फॉर एग्जांपल जो क्रैक है उसको हमने थ्रू किसी भी फ्लेक्सिबल मटेरियल के ज़रिए से फिल अप कर दिए, जैसे रबड़ होता है या फिर समटाइम बिचुमेन यूज़ होता है, उससे जो है वो क्रैक को सील कर देते हैं। So this technique differ from rooting and sealing in this case an actual joint is constructed rather than a crack simply filled. तो जो भी हम यानी जो भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट हम बनाते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट हम बनाते हैं, उसको हम सील करते हैं बाय फ्लेक्सिबल सीलिंग मेथड। Flexible sealing may also be used for repair major active cracks. It has been successfully used in situation where there is a limited water head on the care on the crack. This repair technique does not increase the structural capacity of the crack section. ये सिर्फ crack को fill करेगा, flexible sealing जो material है उसकी capacity यानी structural capacity को नहीं बढ़ाएगा, और ये जो active cracks हैं उसके लिए ये काफ़ी feasible है, क्योंकि अगर crack move हो रहे हैं यानी expand हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये फ्लेक्सिबल मटीरियल भी एक्सपेंड हो जाएगा। केमिकल ग्रूटिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव प्रोसीजर बट इट कैन बी यूज इन कंडीशन ऑफ फ्लोइंग वाटर। जहाँ पे कोई वेट कंडीशन है यानी वाटर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल सीलिंग मटीरियल है वो केमिकल ग्रूटिंग अगर हो तो वो ज़्यादा फिजिबल होगा, लेकिन केमिकल ग्रूटिंग ज़रा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ये आगे इसको हम स्टडी भी करेंगे। उसके बाद ये इसकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये कंक्रीट है और ये उसके बाद इसके बिटवीन फ्लेक्सिबल सीलिंग मटेरियल है, उसकी ये डिफरेंट शेप्स हैं। ग्रेविटी शॉक। ग्रेविटी शॉक क्या है कि कंक्रीट को हम यानी किसी स्प्रे करते हैं किसी सॉल्यूशन के साथ, और वो जो स्प्रे है वो थ्रू ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन से वो कंक्रीट के जो वाइड्स हैं, क्रैक्स हैं, स्मॉल माइनर क्रैक्स, उनको फिल कर देते हैं। तो हायर मॉलिक्यूलर वेट मेथाक्रेलाइट यानी HMWM इज पोर्ड और सेपरेट ऑनटू एनी हॉरिजॉन्टल कंक्रीट सरफेस एंड सेपरेट बाय ब्रोम ब्रश के जरिए से उसको स्प्रे कर देंगे। द मटीरियल पेनिट्रेट्स वेरी स्मॉल क्रैक बाय ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ प्लज which closes off access to the reinforcing steel, यानी उससे जो cracks हैं वो seal हो जाएंगे। Repairing cracks with gravity soak method and HMWM has become a proven and cost effective method. Gravity soak can be effective repair method for horizontal concrete surfaces that contain excessive closely spaced shrinkage cracking. New concrete must be cured for a week and air dried and cleaned. The monomer is mixed with the catalyst and quickly poured on the concrete surface. ये monomer भी एक solution है, ठीक है, जो catalyst के साथ जो है वो उसके concrete के ऊपर pour करेंगे। The material is spread by a broom, brush के जैसे उसको solution को फैला देंगे। After about 30 minutes of penetration time, a light broadcast of sand is usually recommended. The excess sand is removed. The surface is ready in 3 to 24. अब उसके बाद उसमें लाइट एक लेयर आ जाएगी सैंड की, और कुछ देर के बाद उस सैंड की लेयर को रिमूव करेंगे तो जो क्रैक्स हैं वो फिल हो जाएंगे सॉल्यूशन से। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ग्रूटिंग, केमिकल ग्रूटिंग। ये जैसे ये हमने फ्लेक्सिबल सीलिंग में भी देखा केमिकल ग्रूटिंग। तो केमिकल ग्रूटिंग क्या है सर? एक सर जी जी सर आप थक गए होंगे सर अब। आप तो नहीं थके ना, सुन रहे थक गए सर, सीधी सच्ची से बात। ये बस मैं तो अटेंड कर लें फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ आपके। ठीक है सर, थैंक यू।
केमिकल ग्रोटिंग कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर केमिकल्स डेट रिएक्ट टू फॉर्म अ जेल और सॉलिड प्रेसिपिटेट एज अपोज्ड टू सीमेंट ग्रूट्स डेट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ फ्लूइड। तो केमिकल एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे और वो हम एज ए ग्रूटिंग मटीरियल यूज करेंगे। दिस द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन में बी आइदर केमिकल और फिजियोकेमिकल एंड मे इन्वॉल्व ओनली द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन और मे इंक्लूड द इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉल्यूशन विद अदर सब्सटेंसेस एनकाउंटर्ड इन द यूज ऑफ ग्राउट। द रिएक्शन कॉजेज अ डिक्रीज इन फ्लूइडिटी एंड टेंडेंसी टू सॉलिडिफाई एंड फिल वॉइड्स इन द मटीरियल इनटू व्हिच द ग्राउट हैज बीन इंजेक्टेड। क्रैक इज इन कंक्रीट आर नैरो एज 0.05 मिलीमीटर हैव बीन फिल्ड विद केमिकल ग्रूट। तो जो बहुत ही माइनर क्रैक्स हैं उनको फिल करने के लिए केमिकल ग्रूटिंग यूज होगी। और क्रैक्स भी अगर एक्टिव नेचर के हैं तो द एडवांटेजेस ऑफ केमिकल ग्रूटिंग इंक्लूड देयर एप्लीकेबिलिटी इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो कहीं मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो ये काफ़ी फिजिबल है। वाइड लिमिट ऑफ कंट्रोल ऑफ जेल टाइम एंड देयर एप्लीकेशन इज वेरी फाइन फ्रैक्चर। Disadvantages are high degree of skill needed for satisfactory use and their lack of strength and for some grouts the requirement that the grout not dry out in service. कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे कि जो यानी वेट कंडीशन ही के लिए फिजिबल रहेंगे, अगर ड्राई हो जाती है सरफेस तो वो फिर जो है वो अपना फंक्शन जो है वो प्ले नहीं करेंगे। Also some grouts are highly inflammable, जो आग बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं एंड कैन नॉट बी यूज इन इनक्लोज स्पेस। बंद जगह है जहीं पे खदशा है कि वो आग वगैरह की, तो उसके लिए ये ग्रोटिंग फिजिबल नहीं रहेगी। 11 मेथड है जैकेटिंग। जैकेटिंग कंसिस्ट ऑफ रिस्टोरिंग और इंक्रीजिंग द सेक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेंबर प्रिंसिपली अ कंप्रेशन मेंबर बाय इनकेसिंग इट इन न्यू कंक्रीट। तो एग्जिस्टिंग मेंबर के ऊपर जो है वो यानी उसकी केसिंग करेंगे न्यू कंक्रीट की, तो वो एक यानी जैकेटिंग फिनोमेना बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉलम के केस में, इस फिगर में आप देखें कि कॉलम की कैसे जैकेटिंग हुई हुई है कि ये कॉलम है एग्जिस्टिंग कॉलम, इसके अराउंड ही न्यू कॉलम जो है वो यानी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है आरसीसी का। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉलम की जैकेटिंग है। तो मोस्टली ये जो जैकेटिंग का फिनोमेना रिपेयर में जो यूज़ होता है वो पाइलिंग के लिए होता है कि पाइल की जैकेटिंग करते हैं। जैसे ये फिगर गिवन है कि ये पहले वाली जो पाइल है इसकी ड्यूटोरिएशन होगी ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, तो जो इसमें जो पार्ट डैमेज हुआ हुआ है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर उसमें ये यानी केसिंग करेंगे उसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ये होल है स्टील का, ये उसके ऊपर चढ़ाया और फिर इसके बाद उसको फिलिंग मटीरियल के साथ फिल कर दिए। उससे एक तो ये कि जो एग्जिस्टिंग पाइल है रिमेनिंग जो पार्ट उसका रह गया उसकी हिफाजत भी हो जाएगी और वो स्ट्रेंथन भी हो जाएगी। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज ऑफ जैकेटिंग इज इन रिपेयर ऑफ पाइलिंग दैट हैज बीन डैमेज बाय इंपैक्ट और इज डिसइंटीग्रेटिंग बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट इज स्पेशली यूजफुल वेयर ऑल आर द पोर्शन ऑफ द सेक्शन टू बी प्रिपेयर्ड इन इज अंडर वाटर। तो जो पानी के अंदर स्ट्रक्चर है उसके लिए ये काफ़ी यानी यूजफुल फिनोमिना है। व्हेन प्रॉपरली अप्लाइड जैकेटिंग विल स्ट्रेंथन द रिपेयर मेंबर एज वेल एज प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फर्दर डिटोरिएशन। हाउएवर इफ अ कंक्रीट पाइल इज डिटोरिएटिंग बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एसिडिक वाटर फॉर एग्जाम्पल जैकेटिंग विद कन्वेंशनल पॉट एंड सीमेंट विल नॉट इंश्योर अगेंस्ट फर्दर डिसइंटीग्रेशन। अगर कहीं हार्श इन्वायरमेंट की वजह से वियर एंड टीयर हुई भी है कंक्रीट की, तो खाली जैकेटिंग से उसको जो है ना वियर एंड टीयर को नहीं रोका जा सकता जब तक कि उस हार्श एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कोई हम उस पर केमिकल ग्रूटिंग या कोई एपॉक्सी कोटिंग नहीं करते। द रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डैमेज इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट रिपेयर मटेरियल बॉन्ड वेल विद द ओरिजिनल मटेरियल। तो जो अगर कोई डैमेज पार्ट है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा ताकि जो रिपेयर मटीरियल है यानी न्यू मटेरियल है वो ओरिजिनल मटेरियल के साथ वो बॉन्ड बना सके। इफ़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिमूवल इज नेसेसरी देन टेम्परेरी सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। समटाइम हमें टेम्परेरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो डैमेज पार्ट रिमूव किया जाए और न्यू पार्ट उसके यानी
बनाने के लिए न्यू पार्ट उसमें उसके साथ टाई अप करने के से पहले स्ट्रक्चर को हम सपोर्ट प्रोवाइड करें. अ स्टील रेनफोर्समेंट केज मे बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द डैमेज सेक्शन. वंस द फॉर्म इज इन प्लेस इट मे बी फिल्ड विद एनी सूटेबल मटीरियल. चूजिंग ऑफ द फिलिंग मटीरियल शुड बी बेस्ड अपॉन द एनवायरमेंट इन विच इट विल सर्व एज वेल एज नॉलेज ऑफ वट कॉज द ओरिजिनल मटीरियल टू फेल. तो यानी स्टील का एक पिंजरा सा बना के वो डाल दिया जैसे ये कवर में बता रहा था और बाद में इसको किसी फिलिंग मटीरियल के साथ फिल कर दिया. फिलिंग मटीरियल किसी भी टाइप का हो सकता है. और फिलिंग टेक्निक भी कोई भी हो सकता है जैसे पंपिंग के जरिए बाय ट्रिमिंग प्लेसमेंट है बाय रिप्लेस्ड एग्रीगेट टेक्निक है या आगे इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि रिप्लेस एग्रीगेट टेक्निक क्या होती है. और कन्वेंशनल कंक्रीट प्लेसमेंट है किसी भी मेथड से फिलिंग हो सकती है. उसके बाद मेथड नंबर 12 और मेथड नंबर 13 ये ओवरलेज है. ठीक है ओवरले जो एक है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का ओवरले. तो ये क्या होगा ओवरले आर सिंपली लेयर्स ऑफ कंक्रीट यूजुअली हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड ओवर अ प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सरफेस टू रिस्टोर अ स्पॉल्ड और डिसइंटीग्रेटेड सरफेस आर इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अंडरलाइंग कंक्रीट. सिंपल कोई अंडरलाइंग कंक्रीट है उसको ऊपर हमने एक और उसके यानी कंक्रीट की तय चढ़ा दी इसको हम ओवरलेज कहेंगे थ्रू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. कंक्रीट में अगर कहीं क्रैक्स आए हुए हैं तो उसके ऊपर एक और तय चढ़ा दी. ऐसे ही है जैसे रोड होता है रोड में कहीं क्रैक आ जाते हैं तो उसके सरफेस को प्रिपेयर करके एक और बिचमन क्लियर चढ़ा देते हैं. पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट ओवरले में बी सूटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज रीसरफेसिंग स्पॉल्ड और क्रैक्ड कंक्रीट सरफेस. कहीं पे कंक्रीट जो है वो क्रैक्ड है या स्पॉल्ड है यानी कहीं से उखड़ी हुई है कंक्रीट तो उसकी रीसरफेसिंग के लिए हम ये यूज करते हैं. ऑन ब्रिज डेक्स इंक्रीजिंग कवर ओवर रेनफोर्सिंग स्टील और लेवलिंग फ्लोर्स और स्लैब. और इसके बाद दूसरी जो टाइप है ओवरलेज की वो है ओवरले जहाँ पे कोई हार्श इन्वायरमेंट की वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आ गए तो पॉलीमर कंक्रीट हम यूज़ करेंगे ओवरलेज के लिए. पॉलीमर ओवरलेज जनरली कंसिस्ट ऑफ लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट अपॉक्सी मॉडिफाइड कंक्रीट एंड अपॉक्सी मॉर्टर एंड कंक्रीट. दे आर नोन एज पॉलीमर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट इन PPCC. These material may be formulated to provide improved bonding characteristics, higher strength and lower water and chloride permeability compared to conventional concrete. तो ये जो PPCC होगी यानी इसकी strength और bonding characteristic और low permeability ज़्यादा होगी यानी permeability इसकी कम होगी high strength होगी और bond characteristics भी अच्छी होगी. Overlays composed of epoxy mortar or concrete are best suitable for use in areas where concrete is being attacked by an aggressive substance such as acidic water or some other chemical in the water. These overlays may also be used in some instances to repair surface cracking provided that the cause of the cracking is well understood and no movement of concrete is expected in the future. So dormant cracks ke liye ye overlays jo hai na ye useful hai. उसके बाद पॉलीमर कोटिंग एक ही है कि पॉलीमर कंक्रीट बनाई जाए एक ही है कि पॉलीमर को अलग से यानी उसकी कोटिंग यूज़ की जाए सरफेस प्रोटेक्शन के लिए. तो ये भी एक टेक्निक है रिपेयर में. पॉलीमर कोटिंग इफ़ द राइट मटेरियल फॉर द जॉब कंडीशन इज सिलेक्टेड एंड प्रॉपरली अप्लाइड कैन बी एन इफेक्टिव प्रोटेक्टिव कोटिंग टू हेल्प प्रोटेक्ट द कंक्रीट फ्रॉम एब्रेशन केमिकल अटैक एंड फ्रीज एंड थॉ डैमेज. एपॉक्सी रीजन जैसे होते हैं इज यूज एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग बिकॉज ऑफ इट्स इम्परमेबिलिटी ऑफ वाटर एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक. उसके बाद 15 मेथड है प्री कास्ट कंक्रीट. प्री कास्ट कंक्रीट इज कंक्रीट कास्ट एल्सवेयर देन इट्स फाइनल पोजिशन. तो फाइनल पोजिशन जहाँ पे वो प्री कास्ट कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं उसके अलावा कहीं पर वो यानी प्रिपेयर हुई है जैसे बेंचिंग प्लांट पर तैयार हुई है या कहीं फैक्ट्री में प्री कास्ट मेम्बर बने और ला के उसको फिर जो है ऑन साइट उसको प्लेस किया गया. द यूज़ ऑफ प्री कास्ट कंक्रीट इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर एंड द ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू. टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ प्री कास्ट कंक्रीट इज इन रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ
Several works structures include navigation locks, dams, channels, flood walls, embankments, coastal structures, marine structures, bridges, culverts, tunnels, retaining walls, noise barriers, and highway pavements. आजकल यानी ये जो सिविल वर्क्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, कुछ इसमें जो है वो यानी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ रिटेनिंग वॉल्स टाइप हैं, तो उनमें ये आजकल काफ़ी यानी यूजफुल टेक्निक है उसकी रिपेयरमेंट के लिए। उसके बाद है प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट, ये टर्म पहले भी गुजर चुकी है। प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट क्या चीज़ है कि जैसे ये कोई रिटेनिंग वॉल है, इसको हम यानी रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो पहले हम एग्रीगेट प्लेस करेंगे, खाली एग्रीगेट उनको किसी ख़ास पैटर्न के साथ उनको पहले प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद थ्रू पाइपलाइन इसमें ग्रूटिंग की, सीमेंट सैंड ग्रूटिंग, और जो जो ग्रूटिंग करते जाएंगे गोया के बॉटम से ये एग्रीगेट फिलअप होते जाएंगे, जो इसके जो गैप हैं वो ग्रूटिंग के साथ फिलअप होते जाएंगे, ट्यूब हम बाहर निकालते जाएंगे, हती कि ये यहाँ तक कंप्लीट ये जो है ना एक कंक्रीट बन जाएगी। लेकिन कंक्रीट में एग्रीगेट मिक्स नहीं है, एग्रीगेट पहले ही हमने यानी प्लेस किए हुए हैं, बाद में उसकी ग्रूटिंग कर दी है। तो प्री प्लेस एग्रीगेट कंक्रीट इज प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग कोर्स एग्रीगेट इन अ फॉर्म एंड देन लेटर इंजेक्टिंग अ पोर्ट एंड सीमेंट सैंड ग्राउट यूजुअली विद एडमिक्सचर टू फिल द वॉइड्स एट द ग्राउट इज पम्प्ड इनटू द फॉर्म इट विल फिल द वॉइड्स डिस्प्लेसिंग एनी water and form a concrete mass. Pre-placed aggregate concrete is used on large repair project, particularly where underwater concrete placement is required or where conventional placing of concrete would be difficult. Underwater concrete placement में ये होगा कि जब आप aggregate placement करेंगे फिर through tube इसमें grouting करेंगे, तो गोया के जितनी grouting होती जाएगी उतना water वहाँ से displace होता जाएगा। इस तरह ये एक जहाँ पे कन्वेंशनल कंक्रीटिंग पॉसिबल नहीं होती वहाँ ये प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट यूजफुल है। उसके बाद 17 मेथड है रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट इज डिफाइन एज कंक्रीट कंपैक्टेड बाय रोलर कंपैक्शन। कंक्रीट दैट इज इन अनहार्डन्ड स्टेट विल सपोर्ट अ रोलर वाइल बीइंग कंपैक्टेड। तो ये जो नॉन स्लम्प कंक्रीट होगी जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होगी, यानी डेंस कंक्रीट है, उसको यानी कॉम्पैक्ट करने के लिए हम रोलर यूज़ करेंगे, और फिर इस रोलर कंक्रीट को एज ए रिपेयर कंक्रीट हम यानी लेंगे। तो खुसूसन ये जो डैम्स वगैरह होते हैं, डैम्स में ये रोलर कंक्रीट काफ़ी यूजफुल है इसका यूज़। जैसे RCC हैज़ बीन सो सक्सेसफुल फॉर रिपेयर ऑफ नॉन कोप्स डैम डेट द नंबर ऑफ डैम रिपेयर प्रोजेक्ट्स now exceed the number of new RCC dams. The primary advantage of RCC are low cost as compared to RCC ki cost kam hogi and rapid construction. RCC has been used to strengthen and improve the stability of existing dam, to repair dam overflow structures, to protect embankment dam during overtopping, and to raise the crust of existing dam. Uske baad 18 method is slab jacking. ये कहीं आपने अपनी आसपास कहीं सराउंडिंग में देखा भी होगा, ये मेथड यूज़ होता है जहाँ पे हमें स्लैब की जो है वो हाई लेवल है उसको राइज करना होता है। जैसे कहीं पे जो फर्स्ट स्लैब होती है, आजकल गड़ियाँ गलियाँ सड़कें वगैरह ऊंची हो रही होती हैं, तो फर्स्ट स्लैब काफ़ी डाउन होती है, तो बजाय ये कि उसको डिमोलिश किया जाए स्ट्रक्चर को, फिर दोबारा उस पर कंस्ट्रक्शन की जाए, उसी स्लैब को जो है वो थ्रू जैकिंग यानी इस टेक्निक से स्लैब को उठा देते हैं, और जो यानी पहले 10 फुट लेवल पे या फॉर एग्जांपल तो 15 फीट पे उसको करके फिर वो यानी उसकी ग्राउटिंग कर देते हैं। तो ये भी एक रिपेयर की टेक्निक है। स्लैब जैकिंग इज अ रिपेयर प्रोसेस इन विच होल्स आर ड्रिल्ड इन एन एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्लैब एंड अ कंटिन्यूस ग्राउटिंग इज इंजेक्टेड टू फिल एनी वॉइड्स एंड राइज द स्लैब एज नेसेसरी। तो जितनी भी उसकी हाइट को बढ़ाना हो वो बढ़ा लेते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज मड जैकिंग। स्लैब जैकिंग इज एप्लीकेबल टू एनी सिचुएशन इन विच अ स्लैब और अदर कंक्रीट सेक्शंस आर ग्रेड नीड टू बी रीपोजिशनड, उनकी पोजीशन को चेंज करना हो। स्लैब जैकिंग शुड बी कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट विद कन्वेंशनल कंक्रीट। बजाय ये कि आप डिमोलिश करके
उस पर कन्वेंशनल कंक्रीट से दोबारा स्लैब बनाए तो हम उसको रिपोजिशन करेंगे थ्रू स्लैब जैकिंग टेक्निक। उसके बाद मेथड 19 है स्टिचिंग। द स्टिचिंग डॉग्स डेट स्पैन द क्रैक स्टिचिंग मे बी यूज व्हेन टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी री एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द मेजर क्रैक्स। जैसे कोई क्रैक है, इस क्रैक की सिलाई कैसे करेंगे स्टिचिंग, इस पे यानी उसी तरह बोर होल करके इसके परपेंडिकुलर उसमें स्टील रॉड जिसकी लेग्स भी बनी होंगी, जैसे स्टेपलर की पिने नहीं होती, ये गोया यूं समझेंगे क्रैक के अराउंड हम उस स्टेपलर की पिने लगा रहे हैं यानी उसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। स्टिचिंग में भी यूज व्हेन टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी रीएस्टैब्लिश, क्योंकि ये क्रैक टेंसाइल टेंशन क्रैक्स ही होते हैं, क्योंकि मेसनरी स्ट्रक्चर हो या कंक्रीट हो वो टेंशन में वीक होगा, तो इसलिए टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से जो क्रैक्स आ गए मजीद ये क्रैक्स जो है वो इनकी वाइडर ना हो उनको हम स्टिचिंग कर देंगे। तो स्टिचिंग के बाद जब इसके ऊपर कुछ टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी तो स्टील उसको रेजिस्ट करेगा। Therefore, it may be necessary to strengthen an adjacent section with external reinforcement embedded in a suitable overlay. Method involves drilling holes on both sides of the crack and grouting. So, यानी होल ड्रिल करके उसमें फिर स्टील डाल देंगे, बाद में इसकी ग्रूटिंग कर देंगे ताकि वो क्रैक सील हो जाए। ये भी एक मेसनरी स्ट्रक्चर में यानी क्रैक को स्टिचिंग करने की ये फिगर शो हुई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है शॉर्टक्रीट। शॉर्टक्रीट इज डिफाइंड एज फेनोमेटिकली अप्लाइड कंक्रीट और मॉर्टर प्लेस डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस। द शॉर्टक्रीट शैल बी प्लेस्ड बाय आइदर ड्राई मिक्स और वेट मिक्स प्रोसेस। तो शॉर्टक्रीट क्या है कि थ्रू प्रेशर यानी कंप्रेस्ड एयर के थ्रू इस कंक्रीट को थ्रो किया जाएगा जहाँ पे भी यानी कहीं रिपेयर करना है या कंक्रीटिंग करनी हो, तो इसको थ्रो करने में यानी शॉर्ट क्रीटिंग के दो प्रोसेस हैं, मेथड हैं, एक है ड्राई मिक्स और दूसरा वेट मिक्स है। ड्राई मिक्स प्रोसेस ये है कि जो मशीन है मिक्सिंग मशीन, इसमें वाटर ऐड नहीं होगा, सिंपल सैंड एग्रीगेट सीमेंट ये ड्राई मिक्स होंगे और यहाँ से ये मूव होंगे थ्रू पाइपलाइन और इधर से अलहदा से वाटर की पाइपलाइन आ रही है और नोज़ल से पहले ये आपस में मिक्सअप होंगे और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर के थ्रू और नोज़ल के थ्रू इसको थ्रो किया जाएगा, तो ये ड्राई मिक्स प्रोसेस है। वेट मिक्स प्रोसेस ये है कि मिक्सिंग मशीन के अंदर ही यानी कंक्रीट तैयार हो रही है, वेट कंक्रीट बन रही है, इसी में वाटर ऐड होगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट और पूरी कंक्रीट तैयार होके ये थ्रू पाइपलाइन यहाँ आएगी और यहाँ से फिर फिनोमेटिक प्रेशर के थ्रू नोजल के ज़रिए से इसको थ्रो किया जाएगा। तो ये हमारी यानी वेट मिक्स प्रोसेस है शॉर्ट क्रीटिंग का। तो जहाँ पे एक कन्वेंशनली कंक्रीट जैसे जहाँ प्लेस नहीं हो सकती वहाँ ये शॉर्ट क्रीटिंग के ज़रिए यानी थ्रू स्प्रे के ज़रिए हम यानी वहाँ पे कंक्रीट कर सकते हैं। उसके बाद मेथड नंबर 21 है फाउंडेशन रिहेबिलिटेशन मेथड्स। कहीं पे अगर हमें फुटिंग रिपेयर करनी हो तो उसके लिए ये दो टर्म्स हैं, एक है शोरिंग और दूसरी अंडरपिनिंग। शोरिंग को कह रहे हैं ये टेम्परेरी सपोर्ट है फाउंडेशन में, जो हम ट्रिंचेस जैसे बनाते हैं ग्राउंड लेवल से 5 फुट 10 फुट हमने नीचे खुदाई की, तो उसको आरजी तौर पे जो सहारा देना होता है यानी फुटिंग देने से पहले या फुटिंग की रिपेयर के वक़्त उसको हम कहेंगे शोरिंग। इसके लिए यानी जैसे फट्टे होते हैं रैकिंग शोर्स फ्लाइंग शोर्स डेड शोर्स, ये इन फट्टों के ज़रिए से गोया कि हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रिंचिस को। दूसरी टाइप है अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग ये अंडरपिनिंग एक पाइल होती है, अंडरपिनिंग पाइल जो कि स्ट्रक्चर को टेम्परेरी तौर पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जहीं कहीं पर पाइल हमने फॉर एग्ज़ाम्पल डैमेज हुई हुई है उस पाइल की जैकेटिंग करनी है, ठीक है, या उसको रिपेयर करना है,
तो अब पाइल ने जो लोड लिया हुआ है थोड़ा सा हम पाइल को रिलीफ देना चाह रहे हैं उस लोड से, तो वो फिर हम अंडर पाइनिंग पाइल के थ्रिए के जरिए यानी बिल्डिंग को वो सपोर्ट करेगी अंडर पाइनिंग पाइल, और जो एक्चुअल पाइल है उसको रिलीफ दे के फिर उसको हम रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने के बाद फिर यानी वो लोड रेजिस्ट करेगी। तो ये जी हमारी रिपेयर के ये डिफरेंट मेथड्स है 21। उसके बाद नेक्स्ट है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग ये है कि कहीं कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो वो अगर अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस जो है वो शो नहीं कर रहा, तो उसमें हम थ्रू न्यू टेक्निक्स या थ्रू न्यू एडिशन ऑफ मेंबर्स हम उसको रेट्रोफिटिंग उसकी करते हैं, ताकि वो यानी इस काबिल हो कि वो अपना बिहेव कर सके या लोड कैरी कर सके। तो इन रेट्रोफिटिंग द स्ट्रक्चर मस्ट बी डिजाइन सो इट इज इन कीपिंग विद इट्स पर्पज ऑफ यूज एंड इज बोथ सेफ एंड ड्यूरेबल, यानी स्ट्रक्चर को यूजफुल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए। बाज़ अवक़ात कोई स्ट्रक्चर जो है ना ओल्ड बिल्डिंग है वो अनसिक्योर होती है, गैर महफूज होती है, तो उसको थ्रू रेट्रोफिटिंग हम उसको यानी महफूज करते हैं। बाज़ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ वियर एंड टीयर होती है कंक्रीट की, तो उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए हम उसकी रेट्रोफिटिंग करते हैं। रेट्रोफिटिंग की ये यानी एक एक्सप्लेनेशन है। रेट्रोफिटिंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ होम इम्प्रूवमेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग ओल्डर होम्स फ्रॉम डैमेज, स्पेशली डैमेज कॉज बाय द एलिमेंट्स एंड वेदर इवेंट्स, जैसे अर्थक्वेक की वजह से उसमें कुछ डैमेज आ गया, या विंड की वजह से, या कोई और इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से डैमेज आ गया है, तो उसको हम इम्प्रूव करने के लिए रेट्रोफिटिंग करेंगे। द टर्म रेट्रो जनरली रेफर्स टू द थिंग्स ऑफ द पास्ट, सो कंबाइन विद टर्म फिटिंग वी कैन एस्टेब्लिश दैट इट रेफर्स टू फिटिंग थिंग्स इन विद आइटम्स फ्रॉम द पास्ट। व्हेन इट कम्स टू होम इम्प्रूवमेंट इट एसेंशियली मीन्स एडिंग, यानी ये उसका एक कंसेप्ट है, एडिंग न्यू इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी टू प्रीवियसली बिल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इक्विपमेंट हम उसको लोड बियर करने के काबिल बना रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट उसकी कर रहे हैं। उसके बाद है केसेस व्हेन रेट्रोफिटिंग इज डन, मेन वही मैंने आपको जो बताया कि जब जो उसका जो अपना फंक्शन है उसको वो प्रॉपरली प्ले नहीं कर रहा, तो उसके लिए बिल्डिंग को फिर हम परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहा, तो उसकी हम रेट्रोफिटिंग करेंगे। द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर द सेम एज दोज ऑफ द स्ट्रक्चर व्हेन इट वाज फर्स्ट बिल्ट, बट बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर हैज डिक्लाइंड ड्यू टू लोड एक्शन एंड इन्वायरमेंटल एक्शन ओवर टाइम द स्ट्रक्चर डिड नॉट फुलफिल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन के टाइम पे वो अपनी यानी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए फिर हम उसको रेट्रोफिटिंग उसकी करेंगे। सेकेंड है द डिज़ाइन लोड हैज़ बीन चेंज्ड और द स्ट्रक्चर अदरवाइज रिक्वायर द हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देन व्हेन इनिशियली कंस्ट्रक्टेड एंड देयरफॉर इट डज नॉट फुलफिल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। सेकेंड रीज़न ये है कि कहीं पे लोड चेंज हो गया, ठीक है, यानी जो कंस्ट्रक्शन के वक्त या डिज़ाइनिंग या प्लानिंग के वक्त लोड था उससे अब लोड की वैल्यू बढ़ गई है, उस केस में भी हमें यानी वो अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं कर रहा, उसकी हम रेट्रोफिटिंग के जरिए से यानी उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। थर्ड, एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन द स्ट्रक्चर फुलफिल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बट इज प्रिडिक्टेड टू नॉट डू सो इन फ्यूचर ड्यू टू डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस ड्यू टू लोड एक्शन एंड एनवायरमेंटल एक्शन ओवर टाइम, कि फिलहाल तो वो यानी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर रहा है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कमी आ रही है, तो ख़तरा है कि इन फ्यूचर ये कहीं यानी स्ट्रक्चर डैमेज ना हो जाए, इसलिए फिर हम उसकी रेट्रोफिटिंग करेंगे इन एडवांस, यानी उसकी एक उसकी महफूज बनाने के लिए। उसके बाद
flow of retrofitting process, retrofitting of structures shall proceed as follow. सबसे पहले identify the performance requirement for the existing structures to be retrofitted and draft an overall plan from inspection through selection of retrofitting method, design of retrofitting structure, then implementation of retrofitting work. तो सबसे पहले परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का. उसके बाद फिर उसकी इंस्पेक्शन करेंगे. पहले आइडेंटिफिकेशन स्टेज है, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन स्टेज है ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू बी रेट्रोफिटेड. फिर बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन उसको परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगी कि आया कि ये एवेल्युएशन के बाद हमें आइडिया होगा कि इसकी रेट्रोफिटिंग कहाँ कहाँ करनी है, करनी भी है या नहीं. So based on the result of inspection, evaluate the performance of the structure and verify that it fulfill performance requirement. Or if the structure does not fulfill performance requirement and if continued use of the structure through retrofitting is desired, proceed with design of the retrofitting structure. तो फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज में हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई रेट्रोफिटिंग अब करनी है, अब कौन सा मेथड यूज करेंगे रेट्रोफिटिंग के लिए. ये आगे उसके मेथड भी आ रहे हैं. Select an appropriate retrofitting method and establish the material to be used, structural specification and construction method. Or evaluate the performance of structure after retrofitting and verify that it will fulfill performance requirement. Last में उसकी performance दोबारा एक वो कि check हो रही है ताकि जिससे हम उसको हमें एतमाद हो कि ये आइंदा जो है ना ये अपना जो function है वो उसको fulfill करेगी. If it is determined that the retrofitting structure will be capable of fulfilling performance requirement, then the selected retrofitting and construction method implement the retrofitting work. So, ये retrofitting methods हैं. जैसे some existing structures में maybe some parts को हमें replace करना पड़े, यानी replacement of concrete members, replacing method है, overlying method है. रिप्लेसमेंट है. उसके बाद आगे एडिशन ऑफ कंक्रीट सेक्शंस, कहीं पे कुछ हमें ऐड करना पड़े. जैसे कोई लेयर है, फ्लोर है, तो उसकी तय को और मोटा करना पड़े तो ओवरलेइंग मेथड के जरिए से, या कहीं पे कॉलम की जैकेटिंग करनी पड़े, या एडिशन ऑफ मेंबर्स है, वर्टिकल गर्डर एडिशन, एडिशन ऑफ सपोर्ट पॉइंट्स है, सपोर्ट मेथड, कहीं पे एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़े दो कॉलम से, तो अभी हमने यानी लोड ज़्यादा आ रहा है, या जो दो कॉलम्स हैं उनकी कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो हम तीसरा कॉलम भी कोई कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. एडिशन ऑफ सपोर्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ रेट्रोफिटिंग मेंबर्स, जैसे स्टील प्लेट प्रोवाइड कर दी, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक बॉन्डिंग मेथड, स्टील प्लेट जैकेटिंग कंस्ट्रक्शन मेथड, और इंट्रोडक्शन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इंट्रोडक्शन मेथड. तो ये डिफरेंट रेट्रोफिटिंग मेथड्स हैं. तो रेट्रोफिटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, यानी स्ट्रक्चर को रेट्रोफिट करेंगे तो उसके लिए मेन फंक्शन क्या है. नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर अवेलेबल फॉर गिविंग अ रिलीफ टू अ डिस्ट्रेस स्ट्रक्चर विच वुड कुड कवर एनी ऑफ द फॉलोइंग. जो जिस स्ट्रक्चर की, यानी जिस मेंबर की, या जिस स्ट्रक्चरल पार्ट की वियर एंड टीयर हुई है, डिटोरिएशन हुई हुई है, उसको हम रिलीफ करना चाह रहे हैं ताकि उसकी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उसके ऊपर बोझ डाला जाए, ठीक है, या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए. ये भी रेट्रोफिटिंग में आएगा. तो फर्स्ट टेक्निक यानी डिस्ट्रेस स्ट्रक्चर को रिलीफ देने का ये है कि उस पर जो लोड आ रहा है उस लोड को रिड्यूस कर दिया जाए, रिडक्शन ऑफ डेड एंड लाइव लोड. सेकेंड, अगर कहीं ज़रूरत है उसको तो उसको रिपेयर किया जाए, उसकी स्ट्रेंथनिंग की जाए ऑफ कॉलम बीम एंड स्लैब. जैसे कॉलम का साइज बढ़ा दिया, बीम का साइज बढ़ा दिया, स्लैब का थिकनेस बढ़ा दी, इम्प्रूविंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया रेट्रोफिटिंग में. ये भी है अटेंडिंग द क्रैक्स एंड जॉइंट्स, कहीं पे क्रैक आए हैं तो उस क्रैक को, अगर डॉर्मेंट क्रैक है या एक्टिव क्रैक्स हैं उनको जो है सील करना, ताकि वो उन क्रैक्स की वजह से जो इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हुई हुई है वो रिस्टोर हो जाए उसकी कैपेसिटी. फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूविंग द मैसनरी स्ट्रक्चर टू बी एबल टू रेजिस्ट अर्थक्विक फोर्सेस, कहीं पे यानी मैसनरी जो पार्ट हैं स्ट्रक्चर्स के उनको, यानी
इतना इम्प्रूव करना कि वो अर्थक्विक फोर्सेस को रिजिस्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो मैसनी स्ट्रक्चर्स में आजकल बैंड्स यूज़ कर रहे हैं, टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि टाइज और बैंड्स के ज़रिए से उसकी एक अर्थक्विक रेजिस्टेंस बढ़ जाए। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट द एग्रेसिव डिटोरिएटिंग केमिकल्स। तो कहीं पे किसी लेयर्स को, कंक्रीट को या स्टील को प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो ये भी फिर रेट्रोफिटिंग स्ट्रेटजी में आएगा। तो अब किसी भी स्ट्रक्चर में ये जो डिस्ट्रेस मेंबर है उस पे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के क्या क्या, यानी रिड्यूस कैसे किया जा सकता है स्ट्रेस को, तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिडक्शन डेड एंड लाइव लोड। उसके ऊपर डेड और लाइव लोड को कम किया जाए, सही है। और सेकंड, रिप्लेसिंग हैवी सॉलिड पार्टीशन विद लाइट वेट पार्टीशन। यानी फॉर एग्जाम्पल डेड लोड कैसे कम होगा, अगर कहीं पे उस स्ट्रक्चर के ऊपर पार्टीशन वाल है और वो कंक्रीट की है, 9 इंच की वाल है, यानी मेसनरी की वाल है 9 इंच की, तो उसको 4.5 इंच की कर दी ताकि उसका लोड हाफ हो जाए, या उसको मटेरियल चेंज कर दिया, मेसनरी के बजाय उस वाल को यानी वुड का बना दिया, लाइट वेट कर दिया, या कंक्रीट की वाल है तो बजाय ये कि नॉर्मल वेट कंक्रीट यूज़ करने के हमने सिर्फ पार्टीशन ही है तो लाइट वेट कंक्रीट दे दी। इनलार्जिंग ओपनिंग बाय रिमूविंग फिलर वॉल्स। कहीं पे हमने ओपनिंग बढ़ा दी ताकि जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके मेंबर के ऊपर, और उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर बोझ ना आए। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्टोरीज, ये आमतौर पर जो एक कह लें कि स्टील स्ट्रक्चर हैं उसके लिए पॉसिबल होता है कि वो रिवेट बोल्ट स्ट्रक्चर होता है, तो कहीं अगर स्टील की वियर एंड टियर स्टार्ट हो रही है तो उसकी स्टोरीज को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। नंबर 5th है चेंजिंग द बिल्डिंग यूज टू अ लोअर क्लासिफिकेशन ऑफ लोडिंग। बिल्डिंग पे फॉर एग्जांपल कहीं हैवी मशीनरी पड़ी हुई है तो उस हैवी मशीनरी को रिमूव कर दिया जाए, बिल्डिंग की टाइप को हल्का कर दिया जाए, जैसे पहले कमर्शियल थी अब उसको जो है ना वो रेजिडेंशियल कर दिया, इस अंदाज से कि उस पर जो लोड आ रहा है वो रिड्यूस हो जाए। स्पैन रिडक्शन ऑफ बीम बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रट्स, ऐसे स्ट्रट्स प्रोवाइड करके स्पैन को रिड्यूस कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले 30 फीट स्पैन था तो स्ट्रट प्रोवाइड किया तो ये 15 फीट स्पैन रह गया। इंस्टॉलेशन ऑफ शेयर मूवमेंट जॉइंट्स इन अ कंटिन्यूस स्पैन एट पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट। जो पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट है वहाँ शेयर मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पे हमें शेयर मूवमेंट जॉइंट्स इंस्टॉल करके यानी उसकी एक शेयर कैपेसिटी बढ़ाई, ये भी स्टील स्ट्रक्चर के लिए यानी यूज हो सकता है टेक्निक। उसके बाद सेकंड पॉइंट था स्ट्रेटजी में, रेट्रोफिटिंग स्ट्रेटजी में रिपेयर स्ट्रेंथिंग ऑफ कॉलम बीम एंड स्लैब। तो जैसे देखें कॉलम की स्ट्रेंथिंग, द स्ट्रेंथिंग ऑफ कॉलम में बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। कैपेसिटी इंक्रीज कर दी कॉलम की, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम कैन बी इन्हेंस्ड बाय सेक्शन इनलार्जमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर सेक्शन इनलार्जमेंट आर शोन बिलो। जैसे ये एग्जिस्टिंग कॉलम है और ये उसके साथ न्यू कॉलम क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड किया और इससे ये कॉलम डायमेंशन बढ़ गई, कॉलम इनलार्ज हो गया और एग्जिस्टिंग और न्यू को आपस में टाई अप कर दिया ताकि ये मोनोलिथिक बन जाए दोनों। और इन्लार्जमेंट की डिफरेंट यानी टेक्निक्स हो सकती हैं, साइड बाय साइड ये जो है वो साइज लार्ज कर रहे हैं, या फिर उस एग्जिस्टिंग कॉलम को क्लोज कर रहे हैं, या उसकी जैकेटिंग फुल टाइम जैकेटिंग कर रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग है ये न्यू है, एग्जिस्टिंग और न्यू। इसी तरह जैसे उसकी हमने मेन रेनफोर्समेंट बढ़ाई, इसी तरह उसकी डक्टिलिटी और कन्फाइनमेंट बढ़ाने के लिए हम उसमें यानी टाइज यूज़ करें, एक्स्ट्रा टाइज भी प्रोवाइड करें ताकि वो नेचर भी उसकी मोर डक्टाइल हो जाए और जो कंक्रीट है वो कन्फाइंड रहे। और इसी तरह उसकी जो जॉइंट्स हैं कॉलम में, तो जॉइंट्स प्ले क्रूशियल फॉर रेजिस्टिंग अर्थक्विक फोर्सेस। अगर जॉइंट स्ट्रांग होंगे तो वो अर्थक्विक फोर्सेस को अब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए जॉइंट्स को भी स्ट्रेंथन करना ये रेट्रोफिटिंग में शामिल है कि जॉइंट्स को इनलार्ज करेंगे या जैकेटिंग करेंगे बाय स्टील कॉलर
और फाइबर रैप इसके जरिए से। उसके बाद आगे है बीम, द स्ट्रेंथिंग ऑफ बीम मे बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। बीम की स्ट्रेंथिंग कैसे होगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करें। द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द बीम कैन बी इनहेंस्ड बाई सेक्शन इनलार्जमेंट इन कंप्रेशन। कंप्रेशन वाली साइड पे उसका सेक्शन इनलार्ज किया, जैसे ये देखें फ्लैंज की थिकनेस को बढ़ा दिया। दूसरा एडिशनल रेनफोर्समेंट इन द टेंशन साइड, स्टील रेनफोर्समेंट बढ़ा दी। लेकिन स्टील रेनफोर्समेंट बढ़ाने में एक पॉइंट है, उसको यानी मद्देनजर रखने। क्वेश्चन शैल बी एक्सरसाइज टू इंश्योर डैट सेक्शन इज नॉट ओवर रेनफोर्स वाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल रेनफोर्समेंट टू कंपनसेट लॉस ऑफ रेनफोर्समेंट ड्यू टू कोरोजन। अगर कहीं स्टील कोरोजन की वजह से उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, फ्लेक्सुरल कैपेसिटी, तो उसको इन्हेंस करने के लिए जो एडिशनल स्टील हो, इस बात का ख्याल रखना है कि एडिशनल स्टील की वजह से बीम ओवर रेनफोर्स ना हो जाए, कि उसकी नेचर फिर ब्रिटल हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर आप वेब बढ़ा रहे हैं, यानी स्टील बढ़ा रहे हैं वेब साइड पर, तो कंप्रेशन साइड पर भी यानी फ्लैंज की थिकनेस भी बढ़ाएँ, ताकि टेंशन के साथ कंप्रेशन भी बढ़े और स्ट्रक्चर अंडर रेनफोर्स रहे। द प्रोविजन फॉर इनहेंस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ बीइंग अंडरटेकन दिस शुड बी अकॉम्पनीड विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंप्रेशन एज वेल। ड्यू टू सच इंक्रीज फ्लेक्सुरल कैपेसिटीज एक्स्ट्रा शेयर कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू इंश्योर डक्टाइल बिहेवियर ड्यूरिंग अर्थक्विक शैल आल्सो बी कंसिडर फॉर प्रोविजन। इसी के साथ जब आप फ्लेक्सुरल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ टाइज भी प्रोवाइड करें, ताकि इसकी शेयर कैपेसिटी भी बढ़े। ये ना हो कि फ्लेक्सुरल स्ट्रांग हो लेकिन शेयर में फेल हो जाए अर्थक्विक की वजह से।